हर प्रभ का जिर चाया, हर प्रभ का जिर चाया, गुरमुख व्याहन आया, गुरमुख व्याहन आया, गुरमुख व्याहन आया, गुरमुख व्याहन आया, गुरमुख व्याहन आया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के व्याह पुरब में मुख रखते हुए जो बटाला के गुरुद्वारा श्री कंध साहब समागम हो रहे, उन्होंने शिरकत करने के लिए जगह जगह तो संगत आ रही है, साढ़े नाल इस वक्त मौजूद है जेडे पैदल जथा जा रहा है, उन्होंने गल करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक देव जी पातशाह पुरब चौंकी साहब के रूप में साहब को यात्रा कर स्थान पर पुजिया हूँ। संगत जी गुरु नानक साहब के विह जो फकीर हर तरह के शामिल सन, तो उन्होंने जंज में सात संगत जी हूँ भी उस तरह ही सात संगत गरीब अमीर छोटा वोटा बच्चे बीबिया सब शामिल हुए हैं। इस करके सात संगत जी लख लख बधाई हो अंतर जामी सतगुरु गुरु नानक साहब जी सारे दिलों जानने वाले हैं, वो सारे मनोकामना पूरी करे हैं। जिनी साध संगत खलोती है वो सारी अपनी मनोकामना लेके खलोती है, अंतर जामी सतगुरु सारे मनोकामना पूरी करनी। वाहे जी का खालसा। गुरमुख व्याहन आया, गुरमुख व्याहन आया, संबंध में हो रहे समागमों दौरान जिथे जगह जगह से सारे शहर के खाने वाले पदार्थों के लंगर लगे हुए हैं, उत्थे ही बड़ा वधिया उपराला किया गया है गुरमुख प्यारे वालों। इन्होंने गुरमत लिटरेचर के नाल दी नाल बूटियां का लंगर लाया है, सो जेड़ा भी गुरमत लिटरेचर लैना चाहता है तो नाल नाल बूटे प्राप्त करना चाहता है इतों लै सकता है, बिल्कुल फ्री सेवा की जा रही है, तो ये बड़ा वधिया संदेश है। गुरु महाराज के खीसे विचों ये लंगर लगाया है, तो कोशिश करांगे कि आने वाली नौजवान पीढ़ी जी मोबाइलों तो हट के तो ज्ञान वाल वधे तो किताबों वाल वधे, तो एनवायरमेंट में भी प्रमोट कर रहे हैं कि नाल नाल असी एनवायरमेंट जिदा टावर ज़्यादा वध ने रेडिएशन ज़्यादा वध रही ने, तो साड़ी कोशिश है कि असी प्लांट्स लगाइए ज़्यादा तो ज़्यादा, तो साढ़े लिए बेनीफिशियल है। नानक नाम लेवा संगत ना जिते फतेह की सांझ पावना उते समुची संगत नूं लाख लाख वधाई देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असीं वड्डे भागां वाले हां जिन्हां नूं अपने पहले गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जो ग्रस्त दा जीवन शुरू किया सी वह हर साल मनाउण दा सुभाग प्राप्त हुंदा। अज भी उस लड़ी तहत 534वां उन्हां दा विआह पुरब जो जगत माता सुलखणी नाल इस बटाले की पावन पवित्र धरती ते होया सी अज मनाउण दा सुभाग प्राप्त हो रहा। एक महान नगर कीर्तन सवेरे 8 बजे के करीब गुरद्वारा डेरा साहब तो आरंभ होया सी। प्रभु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।